होसिया 12वां बाब। इफ्राइम हवा चरता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। वो मतवातर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है। वो असूरियों से अहदो पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावन का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जजा देगा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अय्याम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हां, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उसने उसे बैतिल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ, यानी खुदावंद रब्बल अफवाज यहावा उसकी यादगार है। पस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ती पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है, मैं दौलतमंद हूं और मैंने बहुत सा माल हासिल किया है, मेरी सारी कमाई में बदकिरदारी का गुनाह ना पाएंगे। लेकिन मैं मुल्के मिस्र से खुदावन तेरा खुदा हूं। मैं फिर तुझको ईदे मुकद्दस के अय्याम के दस्तूर पर खैमा में बसाऊंगा। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल की। यकीनन जिलाद में बदकिरदारी है, वो बिल्कुल बतालत हैं। वो जिजाल में बैल कुर्बान करते हैं, उनकी कुर्बान गाहें खेत की रेगारियों पर के तौदों की मानिंद हैं। और याकूब एराम की जमीन को भाग गया, हां इसराइल बीवी की खातर नौकर बना। उसने बीवी की खातर चौपानी की। एक नबी के वसीला से खुदावंद इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और नबी ही के वसीला से वो महफूज रहा। इफ्राइम ने बड़े सख्त गजब अंगेज काम किए, इसलिए उसका खून उसी की गर्दन पर होगा और उसका खुदावंद उसकी मुलामत उसके सिर पर लाएगा।